विभिन्न आकारों, कोशिका की संरचना, बीज की प्रकृति इत्यादि के आधार पर फलों को हम मुख्य रूप से चार भागों में विभाजित करते हैं। जो पहला भाग होता है उसे हम बीज युक्त फलों का भाग कहते हैं, जिसमें जो फल होता है उसका बाह्य आवरण और जो आंतरिक भाग है यानी कि जो बीज युक्त भाग है उसको छोड़ करके जो मध्य भाग है वो हम अपने खाने में प्रयोग में लेते हैं। स्वाद में मीठे और रसीले वे होते हैं। जो दूसरा भाग होता है उसे हम सरस या बेरी युक्त भाग या फलों के भाग को कहते हैं, जिसे हम प्लम फ्रूट्स के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत जो बाह्य परत है उस परत को छोड़ करके जो मध्य और आंतरिक भाग है फलों का वो सुरस होता है, उसे हम खाने में प्रयोग में लेते हैं। जो तीसरा भाग होता है वो भाग होता है पुंज फलों का, जिसे हम लोग बंच फ्रूट्स के नाम से जानते हैं। इनमें जो फल होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं और एक साथ बंचेस में कई सारे फल जो है वो प्राप्त किए जाते हैं। और चौथा और अंतिम भाग जो फलों का होता है उसे हम संग्रहित फलों के नाम से जानते हैं, जिसे नेचुरली हम कई दिनों तक संग्रहित करके रखते हैं तो वो खराब नहीं होते हैं। तो इस तरह से फलों की आकृति, बीजों की प्रकृति और विभिन्न प्रकार से फलों की कोशिका की संरचना के आधार पे ये मुख्य रूप से चार प्रकार का वर्गीकरण है फलों का।